हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए, हम उठ गई हैं और टाइम हो रहा है 11 का। और मैं दीन देखिए बिस्तर को झाड़ रही हूँ। इसे चादर को हलाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा था तो मैंने ऐसे ही झाड़ दिया है। और ऐसे ही धूल मिट्टी थी, ऐसी डस्टिंग कर दी है हल्की फुल्की, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमती है। तो मैं हल्का फुल्का सा ही हाथ मार देती हूँ तो साफ सफाई मतलब अच्छे से हो जाती है। और इसके बाद देखिए, मैं जाऊँगी अपने किचन में। किचन में बनाऊँगी मैं एक रेसिपी छोटी सी पनीर की, और अच्छे से मैं अपना काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपने घर का सारा काम थोड़ा बहुत जो था वो कर लिया है, झाड़ू वगैरह। और उसके बाद मैं अपने किचन में जाऊंगी कुछ खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। तो मैं खाना बनाऊंगी पहले, उसके बाद करूंगी जो भी कुछ काम करूंगी मैं, तो आपसे शेयर करूंगी मैं कि आज मैं किचन में क्या बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन में मैंने कट कर लिए हैं प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक को चॉप करके रख लिया है। और यहाँ मैंने फ्लाई पैन चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल ऐड कर लिया है, मस्टर्ड ऑयल। और इसमें कर दूँगी जीरा ऐड मैं। और ये रेसिपी आपसे मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये बना रही हूँ पनीर की भुर्जी बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को तो पसंद नहीं है इतनी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ऑफिस के लिए। और मैंने ऐड कर दिया है इसमें एक तेज़पत्ता। और इसके बाद मैं जो प्याज मैंने कट करके रखी है वो ऐड कर दूँगी मैंने। और एक प्याज मैंने इसमें कट करी थी और एक प्याज मैंने इसमें चॉप करी थी, तो मैंने इसमें दो प्याज कम से कम ऐड करी हैं। और पनीर है, मटर और पनीर की दोनों की मैं भुर्जी बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ देखिए मेरी रेसिपी कि मैं आपसे कैसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ मेरा ये पनीर है, तो मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अच्छे से मैश कर लिया है। और इसको मैं अब रख दूँगी, और इसमें मैं फ्लेवर में अब मैं मसाले ऐड करूँगी। मसाले और जो प्याज रखी है मेरी चॉप करी हुई घिसी हुई, तो मैं उसे ऐड कर दूँगी, प्याज टमाटर दोनों को, और उन्हें अच्छे से भून लूँगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसमें मसाले मिला दिए हैं जो बेस मसाले होते हैं हमारे डेली यूज़ करने के। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब मटर जो मैंने पहले ही बॉयल करके रख ली थी। इसको बॉयल करना ज़रूरी था क्योंकि पनीर तो ज़रा सी देर में गल जाता है लेकिन मटर नहीं गल पाती, इसलिए मैंने ये मटर को बॉयल करना था। और इसको अब मिक्स कर दूंगी अच्छे से मैं, और उसमें इसके बाद पनीर ऐड कर दूंगी मैं। और इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए रखूंगी मैं आँच पर। उसके बाद मेरा पनीर बनके रेडी हो जाएगा, पनीर की भुर्जी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी मेरी पनीर की भुर्जी, मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। इसको गलाने के लिए फ्रेंड्स, इसको मिक्स करने के लिए अच्छे से इसमें हल्का सा मैं पानी भी ऐड कर दूँगी हल्का सा। पानी सूख जाने के बाद इसमें पनीर ऐड कर दूँगी मैं, उसको ढक के 10 मिनट के लिए पका लूँगी फिर। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी पनीर की भुर्जी बनके रेडी हो गई है। और मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है इसमें। और आपको फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी पनीर की भुर्जी कैसी लगी फ्रेंड्स, आप मेरे से शेयर करिए। और मेरे वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़। और मेरे चैनल पर जो नए आए हैं वो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, आपसे बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सपोर्ट करो प्लीज़। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।